दिन हुआ यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, तो आज आ चुके हैं हम लोग चेतक के शोरूम में, जो सारी गाड़ियों में मेटल बॉडी के साथ आती है और क्वालिटी तो गाड़ी की होगा बजाज की कंपनी है। और अभी ईवी मार्केट में सेकंड टॉप में चल रही है ये, तो बहुत जल्दी ये फर्स्ट में आ सकती है क्योंकि अभी बहुत सारे वेरियंट्स लॉन्च किए इसने, और ये है इसका प्रीमियम वेरियंट। तो गाइस जैसे कि आप इसकी की देख सकते हैं, ये गाड़ी बिल्कुल कीलेस है। मैंने इधर से ये एक्टिवेट किया और यहाँ पे हमारा ये बटन दिया हुआ है, ये मैंने एक टैप किया और गाड़ी ऑन। ये है चेतक का डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले है, ये फुल्ली इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल में है अभी गाड़ी, यहाँ पे ओबी साइन दिया हुआ है, 89% चार्ज है, 104 किलोमीटर की रेंज। इससे मेरे को याद है कि 100% चार्ज करने पे गाड़ी आपको सर्टिफाइड रेंज 145 किलोमीटर्स की देती है, बट इट मे वेरी इन द ड्राइव बिकॉज ऑफ द एक्सलरेशन। सो इसमें बैटरी लगी हुई है 3.2 किलोवाट आवर्स की, और इसकी सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम सामने की बूट भी ओपन कर सकते हैं और बैक बूट भी। तो मैंने जैसे इसको एक टैप किया तो ये सामने का बूट खुला। ये पॉकेट में आपको क्या मिलेगा सर, मालूम है? सो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्जर इन द ईवी टिल नाउ। सो यू कैन सी दिस मच साइज ओनली, बल्कि इसके बेस मॉडल्स में चार्जर्स बड़े मिलते हैं। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये चार्जर्स छोटा क्यों। ये जैसे मैंने इसको क्लोज किया, फिर यहाँ को मैं लॉन्ग होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ की मेरी बैक बूट खुलेगी। सो यहाँ का जो एरिया है, इसके नीचे बैटरी इंस्टॉल्ड है जो डिक्की के नीचे, और उसके आजू बाजू हमारा चार्जर फिट किया हुआ है। वी जस्ट हैव टू पुट द वायर, दैट्स इट, और हमारी चार्जिंग शुरू होती है। यू कैन सी हमको ऐसे लगाना पड़ेगा और इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये 0 to 100 चार्ज करने में ये मुश्किल से लेगी 3 hours, और आप बीच में थोड़ा थोड़ा लगा रहे हो तो 2 hours इज मोर देन इनफ टू चार्ज दिस ईवी। तो गाइज आप इसमें देख सकते हैं बटन्स के नाम पे इसमें कितना माल मसाला डाला हुआ है। बेसिकली अब हम लेफ्ट हैंड साइड के बटन्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर बटन है, हमने जैसे ही ऑन किया रिस्पॉन्स इसके बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे ही इधर टैप करूँगा बंद हो गया। ये है नोटिफिकेशन बैक बटन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं साइड स्टैंड डाउन दिख रहा है, मैं इसको ये बैक करूँगा, जो भी नोटिफिकेशन आपका अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा इधर नोटिफिकेशन आएगा, आप इससे नोटिफिकेशन हटा सकते हो। ये हॉर्न दिया हुआ है इसका, बहुत ही पावरफुल हॉर्न है। ये लो बीम हाई बीम दिया हुआ है, और अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड का इंडिकेटर जो कि वही सेम काम करता है। ये ड्राइव बटन दिया हुआ है जिससे हम गाड़ी ऑन कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग इट डाउन फ्रॉम द साइड स्टैंड, एंड ये रिवर्स का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे बूट ओपन की, ये अगर मैं एक टैप में करूँगा तो ये वाला सामने वाला बूट ओपन होगा, और इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो बैक बूट ओपन होगा। ग्रीन कलर के बटन्स है ऊपर नीचे होने के, ये SCL का बटन,
और ये ब्लू कलर के यहाँ पे जो बटन है इसके बारे में हमको बताएंगे अलकमर सर। हाय गाइस, तो हम लोग जब यहाँ पे डिस्प्ले में देखते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्लू वाले बटन्स को आप यूज़ करेंगे यहाँ के और ऑप्शंस निकालने के लिए। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं पहले डिस्प्ले ऑप्शन है और डिस्प्ले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट बटन यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड में जो है सिलेक्ट वाला बटन यूज़ करेंगे तो ये हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो ये बेसिकली डिस्प्ले की डिफरेंट थीम्स है ना, दो थीम्स है, एक ये वाला दिया हुआ है, ये ब्राइटनेस में हम लोग चले गए, ये थीम है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डिस्प्ले हम लोग चाहिए। ये दो टाइप के डिस्प्लेज हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिए तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो चुका है नया डिस्प्ले हमारे में। और ये ब्राइटनेस भी चलाएंगे तो ब्राइटनेस राइट हैंड साइड से जो ग्रीन बटन है इनसे हम कम कर सकते हैं ब्राइटनेस, लो अप कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके ऐप से भी हो जाएगा। और ये जो एरो का बटन अपन नोटिफिकेशन हटाने के लिए कर रहे थे उनसे उससे हम बैक भी जा सकते हैं किसी कमांड, जैसे हमने कोई कमांड दे चुका है अब हमको डिस्प्ले नहीं करना है जैसे, तो हमने ये बटन प्रेस हम मोड्स में हैं, हमको जैसे डिस्प्ले का नहीं देखना है, हमको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है, तो हम ब्लूटूथ सेटिंग्स में जा सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली आप इसमें व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, कितने किलोमीटर में सर्विस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, व्हीकल के बारे में सब जान सकते हैं, क्या कंडीशन है उसकी, ए टू जेड आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसमें। और यहाँ बेसिकली आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में भी मिल जाएगा। तो गाइस ये गाड़ी कंप्लीट आपको 1,63,000 पड़ेगी, तो आप हमारा कोड लगाना ना भूले AA3201। शोरूम है अक्षय ऑटोमोबाइल्स, लोकेशन है तेलीबांग ब्रिज के नीचे पूमा शोरूम के बाजू। तो आए कोड लगाए और अपनी चेतक अपने घर ले जाए।